नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हमारे पास है होंडा सीबी ट्विस्टर 2012 मॉडल और बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है बाइक। ये टायर देखो, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, मतलब घिसे हुए नहीं है, बहुत बढ़िया है। मतलब ये है कि अभी आपको 4-5 साल टायर बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये बाइक परचेज करोगे तो, ठीक है ना। बाकी सारे जो इसके पार्ट्स है, जैसे इंडिकेटर वगैरह, लाइट्स वगैरह, ओके है, बिल्कुल ओरिजिनल है। कोई ये नहीं है कि चेंज करवा के लगा हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल है। ऑल ब्लैक बाइक है, मतलब इंजन वगैरह और इसके अलॉय व्हील्स पूरी ब्लैक है, टोटल ब्लैक कलर की बाइक है ये, ठीक है। तो देखने से इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। अगर जिसको बजट कम है भाई का, 20-22 हज़ार रुपये बजट है, और उसको ऐसी बाइक परचेज़ करनी है जो इसकी एवरेज ज़्यादा हो और परफॉर्मेंस भी इसको पूरी मिल जाए, जैसे 110 cc की बाइक है, ठीक है, तो आपको उसमें परफॉर्मेंस मिल जाएगी अच्छी खासी, एवरेज मिल जाएगा आपको 50-55 से ऊपर का, ठीक है। और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, और होंडा का इंजन है, वैसे भी रिफाइंड इंजन होता है होंडा का, ठीक है। तो आप इस बाइक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर इस बाइक के ओनर का मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल कर लेना, डिटेल ले लेना जो भी आपको चाहिए होगा। और एक बात है कि जो मेरा भाई किसी अदर स्टेट में है, तो आप इस बाइक को देख के बस ये आइडिया ले लीजिए कि आपको ये बाइक 20-22 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाएगी, ठीक है ना, अपने सिटी में, जिस सिटी में आप रहते हैं। तो बस यही बात होती है कि आप जिस सिटी में रहते हो आप वहीं भी बाइक परचेज़ करो, अदर स्टेट से बाइक परचेज़ मत करो, क्योंकि उसमें फिर आप वहाँ से लेने जाओगे, उसको नाम ट्रांसफ़र करवाओगे, तो उससे उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने सिटी में ही बाइक लें, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है ना। तो बाइक फ़िलहाल आप इस बाइक को देख लीजिए, जो पटियाले में रहते हैं या पंजाब के अंदर रहते हैं, तो आप बाइक को देख लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन बाइक है, सेल्फ स्टार्ट बाइक है, मतलब सेल्फ की मतलब स्टार्ट हो सकती है, और बाकी सब कुछ आपके सामने ही है, देख लीजिए। इंजन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ठीक है, चला के देखोगे फिर पता चलेगा। आप पहले जाना, उनसे मिलना जिनकी बाइक है, को पहले ड्राइव करके देखना अच्छी तरीके से, अगर आपको पसंद आए फिर आप आगे डील करना, ठीक है ना। तो आप सबको यही बस कहना है कि बाइक लेते वक्त थोड़ा सा मतलब ये ना हो कि यार बाइक देख लिए, कैसे ले कैसे ना ले, पहले आप बाइक को देखें अच्छी तरह, उसको चलाएं, फिर आपको अगर पसंद आती है फिर जाके आगे बात करें डील करने का, ठीक है ना। तो चलो फिर आप बाइक को आप देख लो, और आज के लिए बस फिर मैं इतना ही कर सकता हूँ, और आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। बाकी आप अपना रखिए ख्याल और अपनी फैमिली का। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।